दोस्तों जब भी एक केस शुरू हुआ, मतलब किसी पर कोई एक एफआईआर दर्ज हो गई, कोई भी कंप्लेंट दर्ज हुई, उसके बाद जब ट्रायल चलता है, कंप्लीट ट्रायल पूरा होने के बाद, जब मतलब ट्रायल की पूरी प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई हो, उसके बाद किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट या तो एक्विटल हो जाता है या कन्विक्शन हो जाता है। एक्विटल हुआ तो भी आप जाकर अपील लगा सकते हैं, मतलब कि जिसने कंप्लेंट दी थी वो अपील लगा सकता है किसी भी हायर कोर्ट में, या फिर जिसको कन्विक्शन हुई वो भी अपील लगा सकता है, मतलब जो एक्यूज जिसको सजा बोल दी गई वो भी अपील लगा सकता है अपने आगे कोर्ट में। जैसे सेशंस कोर्ट से मान लीजिए किसी को सजा बोल गई, सेशंस कोर्ट से जो सजा बोली है, खास करके बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, पॉक्सो के बहुत सारे मामले आते हैं, एनडीपीएस के बहुत सारे मामले आते हैं, अलग अलग केसेस के मामले हमारे सामने अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मामलों जो आप अपील करते हो हाई कोर्ट में जाकर, तो हाई कोर्ट में आपने अपील की तो क्या आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट हो ही जाएगी, मतलब क्या आपकी अपील अलाउ हो ही जाएगी या डिसमिस भी हो सकती है? मान लीजिए अलाउ हो भी गई, अपील पर अभी सुनवाई चल रही है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या आपकी सजा कम कर दी जाएगी या आपको एक्विटल दे दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि सजा को बरकरार भी रखा जा सके? ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में आते हैं, जैसे कि हम कब अपील नहीं लगा सकते, अपील हम किस कोर्ट में लगाएंगे, कितने दिनों के अंदर अपील लगानी चाहिए, अपील लगाने का तरीका क्या है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके दिल में, उन सभी सवालों के आज जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए अपील के बारे में, अपील फ्रॉम कन्विक्शन के बारे में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आपके लिए कराते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों इसको दोनों नामों से आप जान सकते हैं, या तो आप बोलिए अपील फ्रॉम कन्विक्शन या फिर बोलिए अपील अगेंस्ट एक्विटल। पहले आप ये समझिए दोस्तों कि किन किन केसेस में आप अपील लगा ही नहीं सकते। आप अपील लगाते हो खास करके ऐसे मामलों में जिनमें सजा काफी बड़ी बुल जाती है, या फिर मान लीजिए कि आपको जो सजा बोली है वो 10 साल की, 20 साल की उम्र कैद की, फांसी तक की सजा भी बोली जा सकती है। तो ऐसे मामलों के अलावा अगर हम बात कर दें तो सीआरपीसी का सेक्शन, मतलब कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के आप सेक्शन 375 को देखोगे, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। किसी भी केस में अगर आप प्लीड गिल्टी कर लेते हो तो दोस्तों ऐसे केसेस में आप अपील नहीं लगा सकते, आपको अपील का कोई अधिकार मिलेगा नहीं। बहुत बार हमने देखा है हमारे पास जो केसेस आते हैं, इवन चीटिंग फोर्जरी के मैटर भी आते हैं, उसमें कई बार बोलते हैं कि आप प्लीड गिल्टी कर लो, लोग प्लीड गिल्टी करने को चल भी देते हैं। दोस्तों प्लीड गिल्टी करने से तो अच्छा है अगर आप पूरे ट्रायल को फेस करेंगे, शायद आप उससे एक्विटल ही हो जाओ, बरी कर दिए जाओ, कम से कम कोई किस तरह का मैटर आपके सामने खड़ा होगा नहीं। पर आप अगर प्लीड गिल्टी करते हैं तो उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी सजा ही सही मिलती तो है ही। अब जो ये प्लीड गिल्टी में कन्विक्शन है जो कैसे आपको मिला, जैसे कि आप बोल सकते हैं इसमें इफ द कन्विक्शन इज बाय हाई कोर्ट, अगर आपको कन्विक्शन हाई कोर्ट ने दिया है, कन्विक्शन इज बाय सेशन कोर्ट ने दिया हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब ने दिया हो, मजिस्ट्रेट ने दिया हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोई भी हो, उसमें अगर आपको कन्विक्शन मिला है और आपने प्लीड गिल्टी की थी तो ऐसे मामलों में आप अपील नहीं कर सकते। किन मामलों में और आप अपील नहीं कर सकते वो भी आपको जानना और जरूरी है। आप इसके लिए पढ़ेंगे 376 जो सीआरपीसी का सेक्शन बोलता है, वो बोलता है नो अपील इन पेटी केसेस, मतलब कि छोटे छोटे जो केसेस होते हैं ना उसके अंदर कोई भी आप अपील नहीं करेंगे, और अपील ना करने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे कि उसे बोला है कि हाई कोर्ट पासेस ओनली सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडेड 6 मंथ, मतलब जिसके अंदर हाई कोर्ट ने आपको दे दी सजा और 6 महीने ज्यादा का मामला वो नहीं है, और जो फाइन आपके ऊपर लगा है वो भी 1000 से ज्यादा नहीं है, या फिर दोनों इम्प्रिजनमेंट भी मिले हैं, तो इसके अंदर भी आप अपील फाइल कर नहीं पाएंगे अगर हाई कोर्ट से आपको सजा मिलती है तो। दूसरा एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कहाँ आप अपील नहीं कर पाएंगे। 376 जो सेक्शन बोलता है सीआरपीसी का, वो बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पासिस ओनली अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, जो 3 महीने ज्यादा कोई भी सजा आपको नहीं मिल रही है, और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, और जिसमें 200 रुपए ज्यादा फाइन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप माने दोनों भी मिल रहा है उसके अंदर, अगर दोनों की सजा सुनाई गई है, तो ऐसे मामलों में भी आप अपील नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक और मामला समझ लीजिए तीसरे नंबर पे, कि जहां आप अपील नहीं कर सकते हैं, इसी 376 सीआरपीसी में बोलता है, क्या बोलता है, वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास पासिस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, जिसमें 100 रुपए ज्यादा फाइन नहीं हो रहा है, ऐसे मामलों में भी आप अपील नहीं लगा सकते। मतलब छोटे छोटे जो मामले होते हैं उन सभी मामलों में आप अपील लगा नहीं सकते दोस्तों। अब अपील आप कहाँ लगा सकते हो, आप वही बात समझ लीजिए दोस्तों। अपील से पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर देखा जाता है पॉक्सो के मामले हों या एनडीपीएस के मामले हों,
इन मामलों में बहुत सारे कन्विक्शन रेट्स आते हैं, कन्विक्शन मतलब ज्यादा है इसके अंदर, तो ऐसे मामलों में अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें अपनी अपील लगानी है, 10 साल की 20 साल की सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई, हम चाहते हैं अपील लगाना। आप अपील बिल्कुल लगा सकते हो, अपील आपको लगानी चाहिए भी। अब दोस्तों आपको अपील लगानी है मतलब कि अपने केस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है जो सजा आपके अगेंस्ट बुली, आप ये बोलना चाहते हैं कि ठीक से मेरा ट्रायल नहीं चला या फिर काफ़ी सारी कमियां रह गई कानून में, क्योंकि किसी भी तरह से आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता, तो आप जब जाएंगे हाई कोर्ट तो क्या बोलती है बुक की लैंग्वेज 374 ऑफ CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट बोलता है 1973 का, वो बोलता है एनी पर्सन कन्विक्टेड, किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा मिली है ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय द सेशन जज, जिसने भी सेशन जज ने जो ट्रायल चलाया आपका, और एडिशनल सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज ने जो आपका ट्रायल चलाया ऑन द ट्रायल हेल्ड बाय द अदर कोर्ट, और ऐसे ट्रायल को चलने के बाद में जिसकी सजा आपको मोर देन 7 ईयर्स की है, तो ऐसे मामलों में आप जाकर सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं कि क्या कमी रह गई, क्या त्रुटि रह गई उस पूरे ट्रायल में, इसके अगेंस्ट आप बिल्कुल अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी जो कि आप सेशन से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, किन मामलों में 7 साल से ज्यादा की आपको कैद बोल दी गई है, कोई भी इंप्रिजनमेंट आपके अगेंस्ट हुआ है, तो ऐसे में अपील आप हाई कोर्ट को कर सकेंगे, और हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट आपके सामने आएगा उसकी अपील आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों जरूरी नहीं जो ट्रायल आपके अगेंस्ट चला, जो ट्रायल चलने के बाद में सजा आपके अगेंस्ट बोल दी गई हो वो सही ही हो। अक्सर लोग अपील करते हैं और मैक्सिमम लोग अपील करते ही हैं अपनी सजा को कम कराने के लिए, अपनी सजा को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए, और कई बार जो डिसीजंस आते हैं वो बरकरार भी रहते हैं, मतलब जो सजा नीचे बोली गई वही सजा ऊपर भी बोली जाती है। दोस्तों ट्रायल बहुत तरह से लड़े जाते हैं, और बहुत सारे दोस्तों मामलों में जिसमें आपको बड़ा एग्रेसिवली अपने पूरे ट्रायल को लड़ना चाहिए था, ट्रायल नहीं लड़ पाते हैं वकील साहब उस तरह से, या फिर आप उनको ठीक से लड़ने देते नहीं है अपनी सारी एडवाइस की वजह से जो आप बताते रहते हो, वहां भी ऐसी कई सारी गलतियां हो जाती हैं वकील साहब से जो सही नहीं है। बैड कन्विक्शन की जो आप अपील करते हो, बैड कन्विक्शन मतलब कि जैसे ही आपका केस का ट्रायल चल रहा है, मान लीजिए पॉक्सो के केस में या फिर NDPS के मामले में आपके केस का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलते चलते जब बाद में लास्ट में सारे एविडेंस जब खत्म हो जाते हैं तो वहां पर कन्विक्शन का एक डे आता है, जब कन्विक्शन का डे आता है तो पूरा ट्रायल चलने के बाद मतलब कि जो भी कोई स्टेट के गवाह थे उन्होंने पेश किए, आपके गवाह थे आपने पेश किए, या फिर पॉक्सो के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ सीधा ही आपके ऊपर है, आपने अपने एविडेंसेस लगाए कोर्ट में या नहीं लगाए, इन सबको देखते हुए बाद में जब जजमेंट दिया जाता है और जब कन्विक्शन हो जाता है, कन्विक्शन के बाद में सजा बोल दी जाती है, ऐसे मामलों में उन सजा को माफ कराने के लिए, कम कराने के लिए, ऐसे सभी चीजों को करने के लिए आप जाते हैं हाई कोर्ट में, अपनी अपील लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट से आपको पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा उस केस से। अब दोस्तों जो आप कन्विक्शन के अगेंस्ट जो अपील लगा रहे हो उससे पहले अगर आपने रिविजन का सहारा लिया होता ठीक से, अगर आप रिवीजन का अच्छे सहारा लेते अपने इस पूरे केस में, तो शायद आपको अपील के लिए जाना ही नहीं होता, हो सकता है कि पहले ही आपका केस खत्म हो जाता, आपके फेवर में चला जाता। आपके अगेंस्ट जब चार्जेस बनाए जाते हैं, चार्जेस में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है चार्जेस नहीं लगने चाहिए, तो आप रिवीजन में जरूर जाइए। चार्जशीट अगर गलत है तो उसके लिए भी रीइन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं, FIR ही अगर गलत है तो क्वेश्चन में आप जा सकते हैं। बीच में बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलती हैं, बट उन रेमेडीज का आप इस्तेमाल करते नहीं है, जिसकी वजह से बाद में कन्विक्शन हो जाता है। कई बार आप अपने वकील साहब को ठीक से काम करने देते नहीं, वो काम तो करना चाहते हैं पर बार बार आप उनको अपना ज्ञान देते हो, जिसकी वजह से भी केस खराब होता है। आपके वकील साहब अगर केस को अच्छे से लड़े तो मेरा मानना है कन्विक्शन होगा नहीं, और बाद में जाकर आपको अपील के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, और पहले ही आप उस केस से मुक्त कर दिए जाओगे। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि किसी भी केस की, मतलब जिसमें भी कन्विक्शन आपको हुआ उसकी जो अपील करेंगे वो करेंगे कितने दिनों में, ये आपको जानना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए अपील करनी है आपको, किसी को भी डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु दंड मिला है किसी को भी, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी आपको अपील लगानी होगी, जो भी उसकी अपीलेट कोर्ट है वहां आपको जाना होगा और अपील लगानी होगी। या मान लीजिए मृत्यु दंड है या फिर मतलब डेथ सेंटेंस जो मिला है, उसके अलावा कोई भी दूसरे जो मामले हैं उन सभी की जो अपील आप लगाते हैं उसके लिए 60 डेज का आपको टाइम मिलता है। 60 दिन के अंदर अंदर आप अपील लगा सकते हैं। आपको सजा हुई है 10 साल की हुई है, 20 साल की हुई है, आप 60 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील आप जरूर लगा लें। अपील नहीं लगा पाते हैं तो उसके लिए भी, हालांकि सेक्शन लिमिटेशन एक्ट का 1963 जो लिमिटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 5 बोलता है किस तरह से आप कोर्ट से रियायत ले पाएंगे दोबारा से, मतलब वो अपील लगाने के लिए जो आपका टाइम एक्सटेंड हो गया उसके लिए आप रियायत ले सकते हैं। दोस्तों हालांकि अपील लगाने का राइट दोनों पार्टीज को मिलता है, पर मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर अपील आप लगा रहे हैं
तो बेहतर है कि पहले सेशंस कोर्ट में आपके वकील साहब ने कुछ काम किया हो, या फिर आपने भी खुद हो सकता है बढ़ चढ़ के आप भी हिस्सा ले सकते हैं उस ट्रायल में, आप अपने बार बार एविडेंसेज उनको जाके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और वो उन्हीं एविडेंस को कोर्ट में एडमिट करा सकते हैं। दोस्तों जब कोई केस का ट्रायल चलता है, खास करके सीरियस मामले जिसमें आपको पता है कन्विक्शन रेट ज़्यादा है, तो ऐसे मामलों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से हल्के में लेना चाहिए नहीं, और आपको पूरी तरह से एक्टिवली एग्रेसिवली उस केस को फाइट करवाना चाहिए। और केस को अगर अच्छे से आप फाइट नहीं करा पाए तो दोस्तों बाद में अपील लगाना भी आपका बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाद में कोई फ़ायदा नहीं उस अपील को लगाने का। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अपील से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल थे, हालांकि रिवीजन पर भी मैंने बात करी अपने इस पूरे लेक्चर में, और मैंने आपको बताया लिमिटेशन टाइम क्या है, कितने टाइम में आप अपील लगा पाएंगे, अपील फ्रॉम कन्विक्शन है या फिर अपील अगेंस्ट एक्विटल है, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया। बट कोई भी सवाल आपके दिल में अगर है, कानूनी सलाह कोई भी चाहते हैं, कोई भी एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।